एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए, असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए, लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, यू नो। तो उन्होंने जो भी एग्जाम्पल बताया, एवरीबडी वो शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है, दैट इज एस प्लस एस, एस प्लस एस देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस एस प्लस आई, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती है। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है।